हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर नेक्स्ट क्लास एंड आवर टुडेज टॉपिक इज सिंपल प्रेजेंट टेंस इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने सीखेंगे, मींस हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाया जाता है ना। तो उस चीज़ को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस को आज हम लोग सीखेंगे कि उसको इंग्लिश में कैसे बनाना है। ओके, तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो इस टॉपिक को सिंपल प्रेजेंट टेंस टॉपिक को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नाउ अब हम लोग इसका पहचान जानेंगे, इस टेंस के वाक्यों की पहचान, मतलब इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे हिंदी में कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जो हिंदी वाक्य होता है ना, उसका जो क्रिया होगा, मीन्स जो एक्शन वर्ड्स होगा जो हम लोग ग्रामर में पढ़े थे, तो क्रिया के अंत में ता है होगा, ती है होगा और ते है होगा, या फिर ऐसे कुछ भी ता ते ती ते, ये सब करके ये सब होगा, ठीक है। इस तरीके से वर्ड्स होंगे तो समझ जाना है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जाता हूँ, वह क्रिकेट खेलता है, तुम आते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर ता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो खेलना, जाना, आना, ये सब एक्शन वर्ड्स है, ठीक है। तो यही सब वर्ड्स के लास्ट में ता है, ती है, ये सब रहेगा। तो समझ जाइएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है वो। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब वो तो पहचान हम लोगों ने सीख लिया। अब नेक्स्ट सीखना है किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स। अब यहाँ ये सीखना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स कौन से सब्जेक्ट के साथ लगता है, मीन सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब जो सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ कौन कौन सा वर्ब्स लगाया जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो केवल सकारात्मक वाक्यों में, अब सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सीखेंगे कि उनके साथ कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले अफर्मेशन में कोई तो हेल्पिंग वर्ब्स तो नहीं लगते, बट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का अगर कोई केस में क्रिया के साथ अगर इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसमें जो उसके बाद आने वाला जो क्रिया होगा, मीन्स वर्ब्स होगा, वर्ब जो होगा, तो उसमें एस या ई एस लगाकर बनाना है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या होता है, ही, सी, इट या किसी का नाम, एक नाम, ओके, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है ये सब। तो ये सब अगर आएगा तो उसके बाद जो एक्शन वर्ड्स आएंगे तो उसमें एस या ई एस लगा करके उसका उस वर्ब को लिखना है। आई होप कि यहाँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत होगी तो आप पूछेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ केस में क्रिया के साथ एस ई एस नहीं लगाए जाते। बाकी ये सब जो थर्ड पर्सन है, इन लोगों के अलावा अगर सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा अगर प्लूरल भी आ गया या फिर कोई भी सब्जेक्ट अनदर सब्जेक्ट्स आ गए हैं, तो उनके साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, बाकी सभी तरह के वाक्यों में, अब देखिए, अब अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ करके, मीन्स जिसमें नहीं या क्या, कोई भी क्वेश्चन मार्क या फिर नोट वाला वर्ड नहीं यूज़ है ना, नहीं वाला नहीं है, कोई भी सेंटेंस नहीं है, तो वैसे में तो हम ऊपर सीख गए। अब जिस जो नेगेटिव है सेंटेंस, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो वो सब क्वेश्चन, वो सब सेंटेंसेजों में हम कैसे बनाएंगे, तो वैसे सेंटेंसेस को हम इस तरीके से बनाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के, सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ डज लगाना है, ठीक है, उसके बाद, और बाकी सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ डू लगाना है। तो कोई भी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये सब सेंटेंस रहेगा तो उसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट या कोई नेम के साथ डज लगाना है, ठीक है, सब्जेक्ट में अगर रहेगा ये सब तो। और अगर ये सब सब्जेक्ट में नहीं रहा, इसके अलावा कोई और रहा, तो उसमें डू लगाना है, ठीक है, ये वाला। तो आई होप कि यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर होगा दिक्कत तो आप लोग ज़रूर पूछेंगे, कन्फ्यूज़न में बिल्कुल भी नहीं रहना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब इसका हम लोग रूल्स सीखते हैं, इसका नियम क्या क्या है। तो रूल्स में सबसे पहले हम लोग किस स्ट्रक्चर पे इसको बनाएंगे वो सीखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को किस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद V1 या V5, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो V5 लगाएंगे एस ई एस वाला, और अगर ये सब्जेक्ट में, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, कोई और है, तो यहाँ पे V1 ही लगाएंगे, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे जानते हैं, मैं जाता हूँ, तो मैं का होता है आई, है ना, उसके बाद फिर जाना का होता है गो,
वर्ब का पहला फॉर्म यहाँ थर्ड पर्सन होता सब्जेक्ट में, तब यहाँ पर वर्ब का पांचवा फॉर्म एस ई एस वाला होता, बट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है सिंगुलर, ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पे गो ही ऑनली होगा। ओके, नेक्स्ट वह क्रिकेट खेलता है, वह का ही होता है तो ही लगा दिए, खेलना उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म यूज़ करना है ना, स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, तो उसके अनुसार वर्ब खोजेंगे खेलना, तो खेलना, अब क्योंकि यहाँ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ एस लगेगा, प्लेस, ही प्लेस, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी है, क्या खेलता है तो क्रिकेट खेलता है, तो लास्ट में इसको लिख देंगे क्रिकेट, तो ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, तो इस तरीके से इंग्लिश में बन गया। नेक्स्ट वन इज़ वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, तो वह का होता है सी। ओके, एंड उसके बाद वर्ब को यूज़ करना है, तो वह क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सी, तो उसके साथ एस ई एस वाला लगाएंगे, तो जाना का गो होता है, उसके साथ ई एस लगा दिए, गोज टू, और ऑब्जेक्ट है स्कूल, है ना, तो ही गोज, सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, कहाँ जाती है तो स्कूल जाती है, तो इस तरीके से हम लोग बना देंगे। ओके, तो ये हो गया जनरल ट्रांसलेशन, कैसे हम लोग को बनाना है इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश। अब नकारात्मक को सीखते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को, जिसमें नहीं वर्ड यूज़ होते हैं, तो वैसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, तो किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है इस बेस पे बनाना, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डू और डज, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वहाँ पे डज लगाना है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ डू लगाना है, उसके बाद फिर नहीं नकारात्मक है तो नेगेटिव, तो यहाँ नोट वर्ड तो जब देना ही होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा क्योंकि इसके बदले में यहाँ पे डज लगेगा अगर जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसमें रहेगा, तो यहाँ डज लग गया, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही होगा, कोई यहाँ पर V5 लगाने की कन्फ्यूज़न नहीं है। ओके, और लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लिख देना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नहीं जाता हूँ, तो मैं का होता है आई, अब यहाँ पर नहीं वाला वर्ड है तो आई के साथ क्या लगेगा, डू या डज, तो यहाँ क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, अदर सब्जेक्ट है, तो डू ही लगेगा, ठीक है, उसके बाद नहीं है तो नोट लगेगा, उसके बाद जाना का गो होता है, तो आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, हो गया, कितना सिंपल है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, नेक्स्ट सेंटेंस है वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो वह का होता है ही लड़का के लिए, अब ही क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ डज लगेगा, उसके बाद नहीं वर्ड के लिए नोट लगेगा, उसके बाद फिर खेलना वर्ब है तो उसका प्ले लगेगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिख देना है क्रिकेट, हो गया, तो वह क्रिकेट नहीं खेलता है, बिल्कुल आसान है ना। तो ये था नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है, अब बाकी जो है वो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करता हूँ, ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।